आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसीलिए हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। इस चीज़ को मैं अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ करती हूँ। मुझे जब GBS हुआ था तब भी मैंने इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया था कि भगवान ने अगर मुझे ये बीमारी दी है तो किसी कारण से दी होगी, मेरा कोई ऐसा कर्म रहा होगा या पूर्व जन्म का ऐसा कोई कर्म रहा होगा कि मुझे ये दुख सहना पड़ रहा है, पर भगवान की दया से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उनकी कृपा से मैं तीनों धामों की यात्रा करने जा रही हूँ। तीनों धाम की यात्रा में जाने का जो आनंद है वो कुछ अलौकिक है। अगर आपके मन में भरपूर श्रद्धा है तो कुछ ना कुछ कारण से आप वहाँ तक पहुँच ही जाते हो। मेरा कोई भी प्री प्लान नहीं था कि मैं तीनों धाम की यात्रा करूँगी, बस एक दिन पहले मेरा विचार बना और मैं तीनों धाम की यात्रा के लिए निकल गई। हरिद्वार से जब हम निकले थे तब बहुत ही ज्यादा सुहाना मौसम था, ना ज्यादा ठंडी थी ना ज्यादा गर्मी थी, इसलिए हम नॉर्मल कपड़ों में निकले थे। पर जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते गए थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ती गई थी। जैसे ही आगे गए टिहरी डैम आना शुरू हो गया, और टिहरी डैम सच में इतना बड़ा है, मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ एक ही घंटे से ये हमारे साथ चल रहा था। पर जब मैंने ड्राइवर अंकल से पूछा कि कितना टाइम हो गया टिहरी डैम के साथ साथ चलते हुए, तो वो कह रहे थे कि हमें कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए हैं और टिहरी डैम अब तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिहरी डैम कितना बड़ा है, और बड़ा होने के साथ साथ इतना सुंदर है, प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर भरा हुआ है। अगर आपने टिहरी डैम नहीं देखा और आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो टिहरी डैम ज़रूर ज़रूर से देखिए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नाइट स्टे के लिए हम उत्तरकाशी में श्री कैलाश आश्रम में रुके थे। वहाँ पे जिस टाइम पे हम पहुँचे थे वहाँ पे बहुत ही सुंदर भंडारा चल रहा था, तो हमने भंडारे की कुछ झलक देखी। उसके बाद हम डायरेक्टली काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने चले गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुँच के मन को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मुझे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। मैं फर्स्ट टाइम काशी विश्वनाथ मंदिर में गई थी और वहाँ का जो अलौकिक एक आकर्षण है वो बहुत ही, मतलब पॉजिटिविटी बहुत ही ज़्यादा है। मैं उसको अभी कह नहीं पा रही हूँ कि मुझे वहाँ जाके कितना अच्छा लगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह जो शिवलिंग है वो 56 सेंटीमीटर ऊंचा है और दक्षिण की ओर झुका है। दक्षिण की ओर झुकने के पीछे भी एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है। कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि को अल्पायु थी, उनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी होने वाली थी, और इसीलिए मार्कंडेय ऋषि इसी मंदिर में तपस्या कर रहे थे। और जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो जो मार्कंडेय ऋषि थे वह दौड़ के काशी विश्वनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है उससे जाके लिपट गए थे। उनका वो प्रेम एवं भक्ति देखकर भगवान इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को पूर्णायु दे दी और यमराज को खाली लौटना पड़ा। जब हम पहुँचे थे तब आरती होने में थोड़ा टाइम था, पर हमने 1 घंटे वेट किया और फाइनली हमें आरती के बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हो गए। और यहीं पे ख़त्म होता है मेरा आज का दिन। आप सबको मेरा आज का दिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वॉइस पे ध्यान मत देना क्योंकि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, क्योंकि अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है।